80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक निवेशक खरीदार वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण में शिरकत कर रहे हैं। एक बेहद शानदार और भव्य मंच जो हमारे खाद्य उद्योग की प्रगति को दर्शाता नजर आएगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की जो इस वक्त हमारी जो नीतियां हैं, जो इसकी प्रगति है, वो यहाँ पर बेहद भव्य तरीके से प्रदर्शित की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री लीडर्स के साथ साथ हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री लीडर्स हैं, नीति निर्धारक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, व्यापार जगत की जो तमाम हस्तियां हैं, ट्रेड इंडस्ट्री, नॉलेज बॉडीज, किसान संगठन, तमाम लोग इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किस तरह से एक विशाल संसाधन आधार यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। इस क्षेत्र की जो प्रगतिशील नीतियाँ हैं, भारत की ओर से जो तमाम प्रक्रियाएँ हैं, जो हमारा नवाचार है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। वैश्विक ही नहीं, घरेलू उद्योगों के जो अग्रणी निर्माता हैं, प्रशासक हैं, नीति निर्माता हैं, व्यापार उद्योग जगत की जो तमाम संगठन हैं, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कैसे सार्वजनिक और निजी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए निवेश के अवसरों को और मजबूती प्रदान करते हुए हम यहाँ पर नजर आएंगे, कैसे इस पूरे इन तमाम कदमों से, पहलों से हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो खाद्य उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक मजबूती मिलती नजर आएगी। वैश्विक खाद्य पटल पर भारत किस तरह से मजबूती से अपने पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 उसका एक सूचक है। अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, विभिन्न जो सेक्टर्स हैं खाद्य क्षेत्र के, उससे जुड़ी विशिष्ट संगोष्ठियों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। विभिन्न राष्ट्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं, राज्यों से जुड़े जो स्पेसिफिक सत्र हैं उनका यहाँ पर आयोजन होगा। एक तरह से बड़े खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है कह सकते हैं। ये खाद्य महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के आपसी जो गठजोड़ है, जो साझेदारी है, जो उनका एक सहयोग बढ़ता हुआ एक इंद्रधनुषीय मंच के रूप में यहाँ पर सामने आएगा। तो राजधानी दिल्ली के बीचों बीच हो रहे इस आयोजन में शामिल होकर घरेलू और वैश्विक खाद्य उद्योगों के कई बेजोड़ पहलुओं का अनुभव यहाँ पर हम कर सकते हैं। भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का एक प्रवेश द्वार के रूप में है, जो भारतीय और विदेशी निवेशकों के बीच साझेदारी को और भी मजबूत बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आधुनिक भारत के निर्माता और आज़ादी के अमृत महोत्सव के सूत्रधार वे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी कल्याणकारी योजनाओं से लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन,
It is indeed an honor and pleasure to welcome our country's visionary leader and Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. As the Prime Minister of our nation, he has touched the lives of millions of Indians and his visionary welfare schemes and his vaccination drive. The Prime Minister's vision for India is multifaceted, focusing on various aspects of development. In line with his vision of development and progress, the food processing sector in India has also seen significant growth. The Indian food industry is poised for massive growth and continues to increase to contribute to the world food trade. Ladies and gentlemen, once again, a very warm welcome to the second edition of World Food India 2023, Processing for Prosperity. Devyon aur Sajjano, inhi shabdon ke saath, ab main mananiya khadya prasanskaran udyog mantri Shri Pashupati Kumar Paras ji se unke swagat bhashan ke liye aamantrit karti hoon. आज के इस ऐतिहासिक वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कार्यक्रम के अवसर पर हम सबों के बीच उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और गरीबों पिछड़ों दलितों के मसीहा परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके उत्पाद का सही दाम मिले, सही मंच मिले, सही बाजार मिले, लगातार ये कोशिश है भारत सरकार की, तमाम पहल की जा रही हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।